नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। सेरेना विलियम्स, एंडी मरे और स्टैन वावरिंका विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे। सेरेना ने स्विट्जरलैंड की अमरा सैडिकोविच को 6-2, 6-4 से हराया। अमेरिका की क्रिस्टीना मैकाले से होगा सेरेना का अगला मुकाबला। हॉकी रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंची टीम इंडिया। लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2016 के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जारी की रैंकिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए भारत ने जीता था रजत पदक। टीम इंडिया के नव नियुक्त उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का दावा, उपकप्तान की जिम्मेदारी मुझसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाएगी। जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज को लेकर भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाई उत्सुकता। सितंबर अक्टूबर में भारत दौरे पर आएगी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे 3 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले। भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई कैरी होप को नॉकआउट करने की जताई उम्मीद। 16 जुलाई को खेला जाएगा एशियाई पैसिफिक सुपर मिडिल वेट चैंपियनशिप मुकाबला। मैनचेस्टर में कड़ी ट्रेनिंग में जुटे हैं विजेंदर सिंह। और भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला डॉक्टर ऑफ साइंस का सम्मान। कानपुर के दीक्षांत समारोह में IIT सीनेट की ओर से दी गई उपाधि। आनंद ने कहा, सन 1988 में भारत से पहला ग्रैंड मास्टर बना, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।